हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दी नोवल आईटी। सो गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक के बारे में जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सो गाइस, आप सभी जानते हैं बेसिकली हम जब भी क्रोम खोलते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोर पे ब्राउज करते हैं कोई भी चीज़, तो हमें उस साइट के बारे में पता नहीं होता वो साइट सिक्योर है या फिर अनसिक्योर है। हम बेसिकली उस साइट पे जाके उसको ओपन कर लेते हैं और उस पर काम करना चालू कर देते हैं या कुछ डाउनलोडिंग करने लगते हैं। गाइस, फॉर एग्जांपल, आप मैंने गूगल क्रोम ओपन किया और इसमें गूगल खोला है, यहाँ मेरे को कुछ भी सर्च करना है। गाइस, जैसे कि मैं अभी हीरो बाइक स्प्लेंडर आ रहा है तो मैं अभी सर्च किया, मैंने देखेंगे आप यहाँ पे कहीं पे भी मैं कोई सी भी साइट यहाँ पे जाके ओपन कर लूँगा। मुझे ये पता नहीं है इसमें से कौन सी साइट सिक्योर है, कौन सी अनसिक्योर है, कौन सी वायरस इन्फेक्टेड हो सकती है। सो गाइस, इसी के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं क्या करूँगा आपको बताता हूँ। आपको वापस से गूगल पे जाना है और यहाँ पे आपको गाइस लिखना है सिंपली अवस्थ ऑनलाइन सिक्योरिटी एक्सटेंशन। सो गाइस, मैं ऑलरेडी यहाँ पे टाइप किया हुआ है तो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इस पर जैसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट, इस तरह का कुछ एक्सटेंशन ये विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे दिखाएगा एड टू क्रोम। गाइस, ये बेसिकली है एड टू क्रोम। मैं क्रोम पे सारा ब्राउजिंग करता हूँ तो मैं क्रोम के लिए एक्सटेंशन डाउनलोड करूँगा, बाकी आप इंटरनेट एक्सप्लोर, मोजिला, सबके लिए अलग अलग एक्सटेंशन है। तो गाइस, यहाँ पे देखिए मैं एड टू क्रोम करूँगा। जैसे चेकिंग कर रहा है यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन आया, ऐड करना चाहते हैं आप, डेफिनेटली मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। सो गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पे चेकिंग लिखा हुआ आ रहा है, इट्स टेक सम टाइम। सो गाइस, ये मेरा अभी रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा है, इट मीन्स ये अभी एक्टिवेट हो गया। मैं आप देखेंगे यहाँ पे मेरा अवस्थ ऑनलाइन सिक्योरिटी एक्टिवेट हो चुका है। आप देखिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी क्या करूँगा मैं, अभी क्रोम को बंद करूँगा और वापस से गूगल पे जाता हूँ। और गाइस, जो मैंने लास्ट जो वेबसाइट खोला था हीरो बाइक स्प्लेंडर का, अभी मैं वापस से गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे वापस से मैं वही सर्च करूँगा, हीरो बाइक स्प्लेंडर। सो गाइस, जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, आप देखिए गाइस, अभी देखिए आपको जो भी मैं वेबसाइट खोलूँगा उसके आगे आपको ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ आ जाएगा, इट मीन्स ये सिक्योर है और इसमें कोई भी वायरस इन्फेक्टेड कोई भी इसमें आपको डेटा नहीं मिलेगा। ये साइड आप श्योर हो पूरा कम्प्लीटली 100% इसको ओपन करके आप इसमें डिटेल ले सकते हैं। गाइस, जिस तरह से ये अभी क्रॉस बना हुआ है, इट मीन्स ये साइट जो है सिक्योर नहीं है, तभी अवश्य इनको डिनाई कर रहा है ओपन करने के लिए। आप देखिए गाइस, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ यहाँ पे ये टिक है और यहाँ पे जैसे आप कर्सर ले जाएंगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा दिस साइट इज सेफ, दिस वेबसाइट इज सेफ, इट मीन्स कि ये सारी साइट सेफ है। सो गाइस, ये छोटा सा ट्रिक था। बेसिकली इतना कोई हैवी ना इसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना एप्लीकेशन, आपको जस्ट क्या है एक एक्सटेंशन है वो डाउनलोड करें। इसी तरीके से गाइस आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं ये खोलता हूँ, सो गाइस इसमें आप देखिए ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट है वो सिक्योर साइट है, सिक्योर साइट पे ऑटोमेटिकली टिक लग जाएगा। अदर रोड देख लीजिए, नीचे में जा रहा हूँ टाटा का, ये भी सिक्योर साइट है, ये विकिपीडिया, ये देखिए। और गाइस देखिए, अनदर ये क्वेरी है, अगर इस तरह का क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब अवश्य जो ऑनलाइन सिक्योरिटी है उसको खुद भी नहीं पता कि ये जो साइट है ये वेबसाइट सिक्योर है या अनसिक्योर है, वो उसको नहीं पता, इस तरह से ये क्वेश्चन मार्क दे देगा। ये देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसने। सो गाइस, मेरा कंसर्न ये था आज की इस वीडियो में कि आप अगर कुछ भी वेबसाइट वगैरह सर्च करते हैं, आप ब्राउज करते हैं इंटरनेट से काफ़ी चीज़ें, आज बेसिकली क्या है आज के टाइम पे सभी लोग क्रोम से सब कुछ डाउनलोड कर रहे हैं। तो गाइस कुछ भी, अब देखिए मैं ये एडोब फ्लैश प्ले फोटोशॉप का भी मैं साइट खोलूँगा तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो सिक्योर जो साइट सेफ होगा वो उस पर टिक लगा हुआ आएगा, अदरवाइज साइट पर टिक लगा हुआ नहीं आएगा। यहाँ पे बेसिकली सभी पे टिक आ रहा है, इट मीन्स ये सारी वेबसाइट सिक्योर हैं, सेफ हैं। और अगर मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ, लैपटॉप्स अंडर 40,000 मैं अगर सर्च करता हूँ इन इंडिया, तो इसमें भी देखिए गाइस मुझे अभी पता चल जाएगा। गाइस जस्ट देखिए यहाँ पे टिक टिक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स की सिक्योरिटी को नहीं कन्फर्म है कि ये वेबसाइट सेफ है या नहीं है। और देखिए ये गाइस यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट फॉर यू, ये गाइस ये क्रॉस आ रहा है, इट मीन्स कि डेफिनेटली ये जो वेबसाइट है ये सिक्योर नहीं है। मेरा कहने का कंसर्न ये है, आप
इसी तरीके से अगर ब्राउजिंग करेंगे तो सेफ एंड सिक्योर होगा, आपके सिस्टम में कभी भी वायरस नहीं होगा। और आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ब्राउजिंग करने से भी इंटरनेट आता है, कोई भी हम साइट से डेटा यूज़ करते हैं, डेटा डाउनलोड करते हैं, और उस डेटा में वायरस आ जाता है, जिससे कि हमारा लैपटॉप क्रैश होने का बहुत चांस रहता है। तो गाइस इस वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ये ट्रिक पसंद आई आपको, तो गाइस इसको फटाफट जाके अपने लैपटॉप पे अप्लाई करो। अवस्थ का ऑनलाइन सिक्योरिटी एक्सटेंशन है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप देखेंगे इस तरह से मेरा ये टिक लगा हुआ आ चुका है, गाइस देखिए यहाँ पे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स, बाय बाय।